आज पूरा दिन ही मेरा खराब चल रहा है और अभी बहुत बड़ा एक वो पंगा हो गया है। अब ये रीजन क्यों है ये किसी को नहीं पता। हम फाइनली पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन एंड आई एम फाइनली इनटू माय फिफ्थ स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश, जो कि अनप्लान्ड था और एक्सीडेंट ही हो गया। भाई ये आलू के पराठे जस्ट गजब है। भाई मैं ट्रैवल करूं और प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसा कभी हुआ है तो आज कैसे नहीं हो सकता। आज पूरा दिन ही मेरा ख़राब चल रहा है और अभी बहुत बड़ा एक वो पंगा हो गया है कि ये जो ट्रेन है जो कोलकाता से जम्मू तवी तक, विच वॉज सपोज टू गो फ्रॉम कोलकाता टू जम्मू तवी, वो सहारनपुर जंक्शन पे एंड हो जाएगा। मतलब सहारनपुर जंक्शन पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये रीज़न क्यों है ये किसी को नहीं पता। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं, इसी वजह से ये ट्रेन सहारनपुर जंक्शन पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम यहीं पे एंड नहीं होता, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। सहारनपुर जंक्शन पे दिस ट्रेन वॉज सपोज टू रीच एट 11:35 PM, बट क्योंकि ये ट्रेन अभी 2.5 घंटे लेट चल रहा है तो ये करीब 2 बजे के अराउंड पहुंचेगा। और हमने वहां से सहारनपुर जंक्शन से चंडीगढ़ के लिए एक ट्रेन, कनेक्टिंग ट्रेन बुक किया है जो कि 2:30 को आना है, ठीक है। और अगर ये ट्रेन आधा घंटा और लेट हो जाती है तो फिर हमको सहारनपुर में वेट करना पड़ेगा सुबह के 6 बजे तक। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, पहले आज सुबह से मेरे को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, पता नहीं। मिलते हैं अभी सहारनपुर में, मिलेंगे अभी। तो गाइज इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो इस ट्रेन में 2 जनरेटर कार है, एक सामने एक पीछे की तरफ। अच्छा, इधर 10 स्लीपिंग कोचेज हैं, 4 सेकंड सीटिंग कोचेज हैं, 3 3-tier coaches हैं, 1 2-tier coach है, फर्स्ट क्लास नहीं है इधर, और इंजन तो खैर होता ही है। और इस ट्रेन का नंबर है 13151 कोलकाता टू जम्मू तवी स्पेशल एक्सप्रेस। गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 2:14 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन एंड आई एम फाइनली इनटू माय फिफ्थ स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश, जो कि अनप्लान्ड था और एक्सीडेंटली हो गया। तो इधर से हमने बुक किया है एक ट्रेन जो कि चंडीगढ़ तक हमको छोड़ेगी, उधर से हमारा प्लान है कि हम बाय रोड धर्मशाला की ओर जाएंगे। तो चंडीगढ़ वाला जो ट्रेन है उसका टाइमिंग है 2:45, तो होपफुली वो ट्रेन भी मिल जाएगा हम लोगों को। तो फाइनली उतर चुके हैं और अभी ये मेरे को देख के याद आया कि इस गेटअप में मैं पूरा सस्ता एलन वॉकर लग रहा हूँ। क्योंकि सहारनपुर स्टेशन के बारे में बता तो इधर 178 ट्रेन्स हॉल्ट करती है, 25 ट्रेन्स ओरिजिनेट करती है और 25 ट्रेन्स टर्मिनेट करती है। और ये जो पीछे वाला ट्रेन देख रहे हो ये हमारा वो जम्मू तवी वाला एक्सप्रेस, बहुत सताया भाई ने, बीच बीच में इतने झटके दे रहा था भाई साहब, गजब के झटके दे रहा था। गाइज अभी बज रहे हैं 5:11 सुबह के और हम फाइनली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। तो ये एक अलग ही मतलब एक्सीडेंटली हम पहुंच गए चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ मेरा सेकंड यूनियन टेरिटरी है, मेरा 6th और 7th state भी है क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट का कैपिटल है। तो चंडीगढ़ आप पहुंचो तो टेक्निकली आप पंजाब और हरियाणा दोनों ही पहुँच जाते हो। तो मेरा 6th और 7th state और मेरा सेकंड यूनियन टेरिटरी में पहुंच चुका हूं चंडीगढ़। तो यहां से अभी हम जाएंगे कार लेके, अभी हम धर्मशाला की ओर जाएंगे जो कि करीब 238 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि 5 घंटे का राइड होने वाला है। तो चलिए मज़ा आने वाला है राइड में, बने रहिए ब्लॉग के साथ। भाई लोग ये चंडीगढ़ का स्टेशन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, कुछ इस तरह का है ये स्टेशन। पीछे की तरफ एग्ज़िट है जो हम अभी करेंगे, एग्ज़िट करेंगे कुछ मिनटों में फ्रेश वगैरह होने के बाद, और फिर निकलेंगे धर्मशाला की ओर, यानी कि फाइनली 2 दिन बाद हम हिमाचल प्रदेश की तरफ आएंगे। खैर वो जम्मू तवी वाली ट्रेन ने बहुत परेशान किया भाई, इतने झटके दे रहा था, फिर सहारनपुर में आके रुक गया, बहुत झटके दिया, और फाइनली मेहनत सक्सेसफुल होगी और हम पहुँचेंगे हिमाचल प्रदेश। उसके बाद तो कड़क ट्रैवलिंग चालू ही है। गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी हम सब उतरे हैं शायद ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये है ऐसा कुछ, ये है हमारा जो बस है या फिर अब मिनी वैन कह लो जिसमें हम जा रहे हैं, और मैं आगे ही मैं सो गया था
और मैं कान में हेडफोन डाले और मैं सो गया, बहुत ही टायर्ड था मैं। और ये है धर्मशाला जाने वाला हाईवे। अभी इस हाईवे का नाम क्या है, ये हाईवे कौन सा नंबर है, ये वैसा मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे को हाईवे से रिलेटेड उतना कुछ नॉलेज है नहीं एक्चुअली। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। और अभी हमें ऊना हिमाचल प्रदेश में, तो ये मतलब क्या ही बताऊँ, ये जर्नी के बारे में बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। और ठंडी भाई गजब गजब की ठंडी। इधर अपना एक भाई है अनुपम दादा भाई, गजब का ठंडी है भाई, बहुत बहुत ठंडी है। और आगे धर्मशाला अभी भी शायद बहुत ही दूर है, शायद मे बी 100 किलोमीटर तो होगा ही, या उससे थोड़ा कम होगा, बट दूर तो है अभी भी धर्मशाला। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, और अभी शायद आलू के परांठे ऑर्डर किए होंगे, देखते हैं कैसे आते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा था। भाई ये आलू के पराठे जस्ट गजब है, ये जस्ट गजब है। इनके अंदर जो स्टफिंग है फुल ऑन मार्क्स, बटर ने एक अलग फ्लेवर बना दिया है, और जो अचार है अलग लेवल। इन टोटल बेहतरीन ब्रेकफास्ट। हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, और अब बारी है आगे धर्मशाला की ओर प्रोसीड करने की। यहाँ का जो व्यू है वो ज़बरदस्त है, जो सीनिक ब्यूटीज़ है वो ज़बरदस्त है, और जो आलू का पराठा अभी खाया हमने वो तो खैर अलग लेवल का था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, वो हमने वो बंगाल में कभी नहीं खाया वो। गाइज अभी बज रहे हैं कुछ 3:12 और फाइनली 7 घंटे की राइड के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं धर्मशाला। चंडीगढ़ से धर्मशाला आने में हम लोग को 7 घंटे लग गए, 7 आवर्स। तो अभी खैर लंच वगैरह करेंगे, फिर थोड़े टायर्ड वगैरह भी हैं, तो फिर उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद रेस्ट करेंगे और फिर कल से घूमेंगे। ठंडी बहुत है भाई, 10 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है, कुछ इस तरह का माहौल है। बेहतरीन ओवरकास्टेड वेदर। आते वक्त हमको HPCA का वो वाला क्रिकेट वाला स्टेडियम भी दिखा, तो वो भी देखने जाएंगे कल में भी।